और माशाल्लाह इनकी चेरी चेक करें, बहुत ही टॉप क्वालिटी में चेरी है जी ये, और इसकी पम्बोज चेक करें जी, और जो सबसे इनका जो मेन बात है ना वो इनका हुड है, नकाब से पता चल जाए कितना नकाब है। अभी ये यंग पेयर है जी, इसके बारे में बताएं भाई। ये वोल्गा है, रेड वोल्गा, माशाल्लाह क्वालिटी चेक करें सही जी। ये लक्को में नहीं आता, इसका अपना नाम है जिनके वोल्गा, टेल मार्क है। दिलशाद भाई इनके बारे में बताएं भाई। ये ब्लैक चेरी के पेयर है। अच्छा ये कौन सा बर्ड है आपका भाई? ये माशाल्लाह वाइट डेनिश, डी आर ब्रांडेड। इसका नाम बता दें भाई। ये ब्लैक सैडल फिल, ये भी शिपमेंट का अल्हम्दुलिल्लाह टॉप क्वालिटी में है, और ये भी ब्रीड कर रहा है। येलो सैडल फिल बहुत ही टॉप क्वालिटी में, ये भी इम्पोर्टेड का रिंग लगा हुए हैं 2020 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं अबू बकर और मेरे साथ है सलमान। वेलकम करते हैं हम आपको अपने चैनल मुल्तान एनिमल्स इन्फो पर। उम्मीद है दोस्तों आप और आपके बर्ड्स खैरी से होंगे। तो दोस्तों इस वक्त हम लोग एक पिजन के फार्म पर मौजूद हैं, और यहाँ पर हमारे साथ फार्म के ओनर हैं दिलशाद अहमद भाई। तो आइए इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह करम भाई, आप सुनाएं। जी मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा दिलशाद भाई, आप ये बताएं कि आपने अपने फार्म पे कौन कौन सी वैरायटी के पिजन लगाए हुए हैं? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत ही अच्छी क्लास में पेयर हैं, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेड है वो सैडल फ्रिल, सही ठीक है, क्रस्टेड में, और दूसरा वाइट फ्रिल बैक, स्वेलो वाइट बार, स्वेलो चेरी, डेनिश और जैकोबिन टॉप क्वालिटी में, ये क्वालिटीज है मेरे पास। ठीक, यानी कि आपने जो है वो इस वक्त जो मार्केट में अच्छे बर्ड्स चल रहे हैं आपने वो तमाम बर्ड्स अपने फार्म पे लगाए हुए हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। फार्म को स्टार्ट किए हुए कितना अरसा हो गया आपको? जी इसको तकरीबन 4 साल हो गए हैं जी। 4 साल हो गए। पहले घर में सेटअप लगाया हुआ था जी, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह न्यू सेटअप लगाया है। इससे पहले एक सेटअप है उसमें मोर वगैरह रखे हुए हैं, और दूसरा तितर वगैरह हो गए वो साइड पे है। सही, और स्टार्ट किस तरह किया था? और माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ फार्म बहुत अच्छी तरह से मेंटेन्ड है आपका, स्टार्ट किस तरह किया था इसको? भाई स्टार्ट पहले चिक्स लेके, नॉलेज नहीं था इतना, तो चिक्स लेके वो बड़े किए, फिर आहिस्ते आहिस्ते इस काम में इन होता चला गया, तो इन्फॉर्मेशन यानी कि मिलती रही, और इस फील्ड में बहुत ही अच्छे काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने मुझे यानी कि इसमें गाइड किया है, और बहुत ही उन्होंने हेल्प की है। अच्छा अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि काम बहुत अच्छा है। कोई नए आने वाले दोस्तों को बताएं कि जी है इस काम के अंदर किस किस तरह के जो है वो ख्याल रखने चाहिए, कबूतरों को किस तरह से रखते हैं आप, ये थोड़ा आप जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करें भाई। मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पहली बात तो ये है कि जो भाई भी शौक करे ना वो अच्छा शौक करे, ठीक है, चीज़ अच्छी ले, और दूसरा नंबर है ये क्वालिटी में रखें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यानी कि इनकी हेल्थ के हवाले से है वो इनको दाना अच्छा मिलना चाहिए, सही ठीक है, सफाई खास ख्याल रखें, दाना अच्छा दें, बाकी ये विटामिन वगैरह यूज़ करते हैं वो भी करें, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो दाना है। अगर दाना आप इनको अच्छा देंगे तो सब बेहतर चलेगा इंशाल्लाह। अच्छा नए आने वाले व्यूअर्स को आप क्या कहेंगे कि अगर कोई काम शुरू करना चाहता है कबूतर का, ये किस तरह का काम है, और आप तक आपने जो है वो अभी तक इसको कैसा देखा है, मुनाफा वगैरह भी है या इसमें बस ये शौक की तरह ही है? भाई इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत रोज़ी रखी है, ठीक है, जो नया बंदा आता है वो मैं उसको ये गाइड करूँगा कि वो बड़ा पेयर की तरफ ना जाए, यानी कि नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे ना आए, बड़ा पेयर ना ले, चिक्स ले, वो उनको रखे, उनको समझे, उसके बाद इंशाल्लाह वो जब समझ जाएगा ना तो सबसे बेहतर जो ये है कि मेरे हिसाब से जो आजकल जो काम चल रहा है वो पिजन का है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। ठीक, अच्छा दाने में क्या क्या यूज़ करवाते हैं, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से सीड्स होते हैं, ये जो है ना तरतीब से बताएं ताकि दोस्तों को भी पता चले कि टॉप क्वालिटी बर्ड्स को क्या दाना दिया जाता है? भाई उसमें मैं जो यूज़ करता हूँ उसमें मकई, उसका डाला किया हुआ, ठीक है, बाजरा होता है, सूरजमुखी होती है, गर्मी में सूरजमुखी बहुत कम यूज़ करते हैं, यानी कि 20 किलो दाना बनवाया है ना उसमें 1 किलो डलवाते हैं, ठीक है, भांग दाना हो गया, खुरदम हो गया, ठीक, और ब्लैक चने हो गए, इस तरह के ये जो यानी कि टॉप चीज़ें हैं ये डलवाएं, और इंशाल्लाह इसमें ये कि परिंदे हेल्दी एक्टिव रहते हैं, ये ताकत वाली चीज़ें हैं। अच्छा अपना जो है वो लास्ट में नंबर भी बता दें, क्योंकि वीडियो देखने के बाद काफ़ी दोस्त जो हैं वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे और आपकी जो है होम ब्रीड लेना चाहेंगे, तो नंबर अपना बता दें। जी भाई मेरा नाम दिलशाद अहमद है, ठीक है, नंबर जो है मेरा वो 0345 40 634, इसी नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप नंबर भी यही है। ठीक, तो दोस्तों वीडियो की जानिब जाने से पहले आप हमारे चैनल मुल्तान एनिमल्स इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं जी, आपको दिलशाद भाई के बर्ड्स दिखाते हैं, स्टार्ट करते हैं।
अच्छा जी दिलशाद भाई, यहाँ पर जो है वो अपना आपका पहला पेयर मौजूद है, इसका नाम बता दें भाई। ये सिल्वर सैडल फिल, सिल्वर सैडल फिल पोलैंड ब्लड लाइन है, इम्पोर्टेड है। ठीक, अच्छा ये आपने कहाँ से लिए थे भाई? ये पोलैंड से, एक दोस्त है करक का, अच्छा उससे मैंने शिपमेंट कर लिया है। सही, अच्छा ये ब्रीड कर रहा है आपके पास? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड कर रहा है भाई। कितना टाइम हो गया आपको भाई इसको लिए हुए? 2 मंथ हुए हैं। सही, चलें अगला पेयर दिखाते हैं आपको भाई। ये ब्लैक सैडल फिल, ये भी शिपमेंट का है पोलैंड ब्लड लाइन का, माशाल्लाह क्वालिटी आपके सामने है। सही, अच्छा ये भी आपके पास ब्रीड कर रहा है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इनके चिक्स वगैरह भी निकले हैं, कुछ चिक्स पहले सेल किए हैं। सही जी जी दिलशाद भाई, इस पेयर के बारे में जी भाई? ये सैडल फिल है, येलो सैडल फिल, बहुत ही टॉप क्वालिटी में, ये भी इम्पोर्टेड का, रिंग लगे हुए हैं 2020 के। सही दिलशाद भाई, यहाँ पर जो है वो माशाल्लाह बड़ा प्यारा सैडल फ्रिल है, इसका नाम बता दें भाई। ये ब्लैक सैडल फ्रिल, ये भी शिपमेंट का अल्हम्दुलिल्लाह टॉप क्वालिटी में है, और ये भी ब्रीड कर रहा है। अच्छा आपके पास जो है वो सारे ही शिपमेंट से आए हुए हैं, यानी कि बाहर के मुल्क के हैं बर्ड? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे पास सेटअप है ना वो ज़्यादा तकरीबन 80% बाहर का है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि जी आउट ऑफ कंट्री से जो बर्ड आता है वो सही ब्रीड नहीं करता है, क्या आपने इस तरह देखा है कि नहीं? जी जी भाई बिल्कुल, उनकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन नसीब की बात है कुछ पेयर आते ही चल जाते हैं, कुछ पेयर जो है टाइम लेते हैं। सही जी दिलशाद भाई, इन बर्ड के बारे में बताएं भाई। ये क्रीम बार में है, रेड क्रीम बार में और येलो क्रीम बार, सैडल फ्रिल, ये भी इम्पोर्टेड के हैं, 2020 के रिंग लगे हुए हैं जी। ठीक, अच्छा ये जो होते हैं म्यूटेशंस वाले पिजन्स, ये एक साल में कितनी दफ़ा ब्रीड करते हैं भाई? तकरीबन एक जो रुकते हैं 3 से 4 माह, ठीक है, लगातार ब्रीड करते हैं। ठीक, अच्छा अगर फॉस्टिंग करवाई जाए तो इनसे जो है वो ब्रीड ज़्यादा हो सकती है, यानी कि 4 क्लच की जगह 8 क्लच तक जा सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं तो लगातार ही ब्रीड ले रहा हूँ जी। ठीक है, दाना अच्छा दे रहा हूँ, ठीक है, और इनकी केयर कर रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट दाना है, तो दाना मैं इनको अच्छे वाला दे रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लगातार ही ब्रीड ले रहा हूँ, इनसे एग उठा रहा हूँ। ठीक, अच्छा ये जो है आपके पास कितने पिजन मौजूद हैं म्यूटेशन के अंदर फैंसी, और कितने जो हैं आपने वो लगाए हुए फॉस्टिंग पेयर्स? भाई तकरीबन मेरे पास जो है फैंसी पेयर वो 60 है, और जो फॉस्टर है वो तकरीबन 110। सही, वो जो फॉस्टर है वो कम है अभी, वो मैं और लगा रहा हूँ। अच्छा जी, देख सकते हैं आप दोस्तों माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत इसका फ्रिल है, ये देखें। अच्छा जी दिलशाद भाई, इसके बारे में बताएं भाई। ये माशाल्लाह वाइट फ्रिल बैग है, बहुत ही हैवी साइज़ में है, और इसकी जो पामोज है वो टर्म की है मैंने, क्यों उसकी वजह, जी जी उसकी वजह ये है कि जो केजेस है ना वो मट्टी वाले हैं तो गंदी हो जाती हैं, और उससे ना थोड़ा बहुत वायरस का खदशा होता है। सही, अच्छा ये जो है ये वाइट फ्रिल्स जो हैं ये चलते भी बहुत ज़्यादा है, मार्केट में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं ये बाकियों की निस्बत? जी जी, उसकी वजह यह है कि इसकी प्राइस जो है वो नॉर्मल है, और हर बंदा लाइक करता है, हर बंदे की पहुँच में है जी। माशाल्लाह इसकी खूबसूरती की वजह से जो है वो लोग पसंद करते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह। और जो सबसे इनका जो मेन बात है ना वो इनका हुड है, नकाब से पता चल जाए कितना नकाब है, अभी ये यंग पेयर है जी। सही, यानी अगर ये मोल्ड के बाद ये और अच्छा हो जाए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सही, ये कौन सा पेयर है? ये रेड जैकोबिन, बहुत ही टॉप क्वालिटी में ब्रीडर पेयर है ये। अच्छा ये कौन से हुड में है? भैया ट्रिपल हुड में। सही, क्वालिटी आपके सामने है भाई। ठीक, इनमें रिंग वगैरह डले हुए हैं, और कौन से रिंग डले हैं? ये रिंग 18-19 के डले हुए हैं। सही, अच्छा एज कितनी होती है इस तरह, यानी कि जो म्यूटेशंस वाले कबूतर होते हैं इनकी एज कब तक होती है ब्रीड, यानी कब तक करते हैं ये तकरीबन अगर गर्मी का मौसम हो तो फिर ये 5 माह, अगर सर्दी में ये लें तो फिर ये तकरीबन 8 माह ले जाते हैं। सही, और इनकी जो है वो लास्ट एज कब तक होती है, यानी कितने साल तक ये ब्रीड कर सकते हैं भाई? अगर लगातार ब्रीड लेनी है, लगातार मुसलसल एग उठाने हैं, तो फिर मेरे हिसाब मुताबिक अगर दाना अच्छा डाला जाए तो तकरीबन 4 साल कहीं नहीं जाता पेयर। सही जी भाई, ये कौन से आपके भाई? ये वाइट जैकोबिन, बहुत ही टॉप क्वालिटी, आप क्वालिटी चेक करें, ब्रीडर पेयर है माशाल्लाह। अच्छा जी इस बर्ड के बारे में भाई? ये भी वाइट जैकोबिन, ठीक जी, ब्रीडर पेयर है ये भी माशाल्लाह। एक पीस का हुड टर्म किया हुआ है, उसको नज़र आगे से ना फ्रंट से कुछ नहीं आता था, बिल्कुल क्लोज हुड था, तो इस वजह से काट दिया। अच्छा ये हुड जो है वो मेटिंग में भी कोई मसला करता है या सही हो जाती है मेटिंग वगैरह? नहीं सही हो जाती है, अपने हिसाब से ये करते हैं, लेकिन बेसिकली अगर किसी ने ब्रीड लेनी है तो हुड काट दें, वो सबसे बेस्ट है। ठीक जी,
जी दिलशाद भाई, इसमें जो है वो एक बड़ा यूनिक कलर नज़र आ रहा है जी, जी। इस कलर के बारे में बताएं और जो है वो दूसरा जो है कलर उसके बारे में भी बताएं। भाई ये कंट्रास्ट में लगाया हुआ है, इससे ये है कि इनके ब्लड लाइन जो है वो चेंज होती है और जो आगे चिक्स आते हैं ना वो बहुत अच्छी क्लास में आते हैं, इस वजह से ये यानी कि ऐसे लगाया है। फिर क्वालिटी के हिसाब से यानी कि क्वालिटी चेक करते हैं कैसे आती है। सही। अच्छा दिलशाद भाई, यहाँ से जो है आपके सोयलो चेरी शुरू हो रहे हैं। अच्छा कितने कलर के आपके पास सोयलो चेरी मौजूद हैं और ये जो हमें नज़र आ रहा है ये कौन सा कलर है? भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सिर्फ सिल्वर चेरी नहीं है, बाकी सारे कलर हैं, वाइट बार में भी और चेरी में भी। ये है येलो चेरी, ब्रीडर पेयर है और ये यूई ब्रांडेड है। अच्छा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा इनके पमोज वगैरह आपने ट्रिम किए हुए हैं? जी जी भाई, इनकी पमोज वगैरह ट्रिम किए हैं। इसकी वजह यह है कि ये क्रॉसिंग करते हैं ना उस टाइम थोड़ा इशू होता है, ठीक है, तो इस वजह से ये काट दिए हैं। अच्छा क्रॉसिंग करते हैं उसके बाद अनफर्टिलिटी का इशू आता है इस तरह, यानी कि अगर पमोज के साथ करेंगे तो? जी जी बिल्कुल, मेटिंग प्रॉपर नहीं हो पाती जी, इसी तरह वो स्लिपिंग हो जाती है ना। सही जी, ठीक जी। इसके बारे में बताएं भाई, ये रेड चेरी है माशाल्लाह, आप क्वालिटी चेक करें, बहुत ही टॉप क्वालिटी में और अल्हम्दुलिल्लाह चेरी सवेलो में मेरा एक नाम है। सही जी, और बड़े बड़े जो यानी कि इसमें बैठे हैं ना इस फील्ड में वो मुझे जानते हैं। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तकरीबन 20 पेयर लगे हुए हैं चेरी में और वाइट बार में, और तकरीबन मेरा अंदाज़ा है कि इतने पेयर किसी के पास नहीं होंगे। ठीक सही। अच्छा देख सकते हैं व्यूअर्स माशाल्लाह से, और ये साइड से देखें बिल्कुल जो है वो प्रॉपर मार्किंग। अच्छा इनकी मार्किंग भी देखी जाती है? जी जी बिल्कुल, चेरी में तो इनकी मार्किंग ही नज़र आनी चाहिए ना, कैसी मार्किंग है, क्या करते हैं। कोई मार्किंग में अगर फॉल्ट वगैरह हो तो वो किस तरह से पहचाना जाता है? वो उनकी चेरी साफ़ नज़र आएगी, जो रेड चेरी है और येलो चेरी, इनकी चेरी बाद में आती है, ठीक है, ब्लू चेरी, ब्लैक चेरी और सिल्वर चेरी, इनकी चेरी जो है वो स्टार्ट में बन जाती है। सही। ये कौन सा बर्ड है आपका दिलशाद? ये येलो चेरी माशाल्लाह, इनकी येलो वाइट बार में, सॉरी, इनकी क्वालिटी आप चेक करें। सही बिल्कुल परफेक्ट कटिंग में वाइट बार, हर चीज़ क्लियर है। जी दिलशाद भाई, इनके बारे में बताएं। भाई ये ब्लैक चेरी माशाल्लाह, क्वालिटी आप चेक करें। सही। ये फीमेल है जो फ्रंट पे खड़ी है, ये फीमेल है, पीछे मेल है। इनके जो चिक्स आते हैं ना माशाल्लाह बहुत ही टॉप क्वालिटी में आते हैं। ठीक। अच्छा इसके साथ नर वो दूसरा लगा हुआ है? नहीं वो भी चेरी में है, लेकिन वो यानी कि इतनी ज़्यादा उसकी चेरी नहीं है, लेकिन इनकी जो आगे चिक्स वगैरह आ रहे हैं ना वो माशाल्लाह जैसे फीमेल है ना ऐसे आ रहे हैं। सही। ये ब्लू चेरी माशाल्लाह, क्वालिटी आप चेक करें। सही। अच्छा ये आपके पास कितने साल से हैं और ब्रीड वगैरह कर रहे हैं ये? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये नए लिए हुए हैं तकरीबन ये 6 माह के। सही। अच्छा ब्रीड भी किया है इन्होंने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इनके चिक्स वगैरह भी आए हैं, वो भी मैं आपको शो कराऊंगा, क्वालिटी आप चेक करना जी। ठीक जी व्यूअर्स, आपको जो है इनकी जितने भी बर्ड्स दिखा रहे हैं हम, ये इनके जो है वो होम ब्रीड जो निकले हुए हैं चिक्स वगैरह, वो भी जो है वीडियो के आखिर में हम आपको दिखाएँगे, तो जिसने अगर लेने हो तो नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। दिलशाद भाई इनके बारे में बताएं। भाई ये ब्लैक चेरी के पेड़ है। ठीक। ब्रीड के पेड़ यह भी लिया है तकरीबन 1 माह हुआ है भाई, और अल्हम्दुलिल्लाह इसने ब्रीड की हुई है। सही। कितने चिक्स आए हैं इसके? भाई अभी चिक्स एक पेड़ आया है। सही। बाकी एग वगैरह आए हुए हैं क्योंकि 1 माह हुआ है। अच्छा इनके चिक्स को जो है वो दोबारा से ब्रीड करवा सकते हैं मेल फीमेल यानी करवा के? ज़्यादा कोई इशू तो नहीं होता फर्टिलिटी का? नहीं नहीं कुछ भी नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं होता। अच्छा पैरेट्स में तो ऐसा होता है यानी देखा जाता है, इन ब्रीडिंग होती है उनके अंदर, तो इनके अंदर तो ज़्यादा ये इशू तो नहीं होता? नहीं नहीं इनमें कोई इशू नहीं है, यानी कि आप कहने का मकसद ये है कि माँ बाप जैसे हों यानी कि उनके साथ किसी और को लगा दें, यानी कि उसी की होम ब्रीड में से, उसी की ब्रीड में से। हाँ जी, यानी कि जिस तरह इनके 2 बच्चे निकलेंगे जी जी मेल फीमेल, उनको मैं कह रहा हूँ? नहीं कोई इशू नहीं है, ऐसे ही होता है सेम क्लच, ऐसे ही होता है, लोग भी डिमांड करते हैं कि सेम क्लच हो, मेल फीमेल कन्फर्म होते हैं उसमें। ठीक। अच्छा जी ये कौन से बर्ड हैं आपके? ये ब्लू वाइट बार स्वेलो। सही जी। ये भी ब्रांडेड है, प्लैंड ब्रांडेड, 2020 के रिंग लगे हुए हैं माशाल्लाह इनको, और ब्रीडर हैं कन्फर्म, यंग प्लेयर हैं। अच्छा जी इन बर्ड के बारे में बताएं। भाई ये ब्लैक स्वेलो वाइट बार में। सही माशाल्लाह, ये भी क्वालिटी बर्ड्स हैं और 2020 के प्लैंड के रिंग लगे हुए हैं, इम्पोर्टेड के हैं, ये भी शिपमेंट के ही लिए हुए हैं। सही जी। ये कौन से बर्ड हैं आपके? भाई ये रेड स्वेलो वाइट बार में। ठीक। ये भी 2020 ब्रांडेड है, प्लैंड ब्लड लाइन। ठीक।
अच्छा ये कौन सा बर्ड है आपका भाई? ये माशाल्लाह वाइट डेनिश, ठीक, डीआर ब्रांडेड, ठीक जी, ओरिजिनल। आप क्वालिटी देखें सही। अच्छा इसमें क्वालिटी क्या देखी जाती है, मतलब के इनकी स्ट्रक्चर देखा जाता है, क्या देखा जाता है इनकी? भाई हाइट देखी जाती है सबसे जो मेन है, आइज देखी जाती हैं और चूंच देखी जाती है कि वो कितनी है और कैसी और रेडनेस है या नहीं है। ठीक। अच्छा इसके पास, इसके अंदर आपके पास कौन कौन से कलर मौजूद हैं? इसमें एक और कलर है येलो डेनिश। ठीक जी, इसके बारे में बताएं भाई। ये वोल्गा है, रेड वोल्गा, माशाल्लाह। क्वालिटी चेक करें सही जी। ये लक्को में नहीं आता, इसका अपना नाम है यानी कि वोल्गा, टेल मार्क है। सही। अच्छा मैंने बहुत कम देखे हैं ये, और भी हमने फार्म्स वगैरह विजिट किए हैं, उधर नहीं था ये बर्ड। ये कहाँ से आपने परचेज किए भाई? ये भी यूई ब्रांडेड है और बहुत कम लोगों के पास है ये क्वालिटी। सही। अच्छा इसकी डिमांड वगैरह भी है या बस ऐसी शौक के लिए चल रहा है अभी तक? नहीं नहीं भाई, इनकी डिमांड है। आप देखें, आपको भी प्यारा लग रहा है तो हर बंदे को ये प्यारा लगता है। ये छोटा कबूतर है जिसको बोलते हैं। सही जी। इनका जो है वो बाकियों की निस्बत साइज़ भी छोटा है थोड़ा। ठीक। अच्छा ये दिलशाद भाई, ये मार्केट का जो है वो मोस्ट डिमांडिंग बर्ड ब्लैक टेल लक्का, इसके बारे में बताइए भाई। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी में है, ट्रिपल टेल में है। सही। और बिल्कुल परफेक्ट कटिंग में। ठीक जी दिलशाद भाई, इन बर्ड्स के बारे में बताएं भाई। ये सिल्वर सैडल में फीमेल है, ब्लैक में अभी पट्टा है तकरीबन 7-8 कली का। ये भी पेयर है अल्हम्दुलिल्लाह। क्वालिटी आप चेक करें। ठीक। क्वालिटी बहुत आउट क्लास है। पमोज वगैरह चेक करें। ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो हम लोग इनके चिक्स वाले सेक्शन में मौजूद हैं, जहाँ पर जो है इन्होंने अपने तमाम होम ब्रीड के बर्ड लगाए हुए हैं। तो दिलशाद भाई इसमें बताएं कि कौन कौन से चिक्स पेयर के जो हैं वो चिक्स मौजूद हैं भाई? इसमें जैकोबिन है, ठीक है, और सवेलो येलो चेरी में, रेड में, और दूसरा ये कि ब्लैक चेरी में, और ब्लैक जैकोबिन स्प्लैश में, ये अभी अवेलेबल हैं जी। ठीक। तो ये आपके सारे जो हैं बेबीज़ आपके घर ही निकले हुए हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी होम ब्रीड है जी। जी ये फॉर सेल हैं जी, सेल करते हैं जी। तो दोस्तों ये जो आपको चिक्स नज़र आ रहे हैं सारे, ये फॉर सेल हैं। अगर किसी ने परचेज़ करना है तो आप लोग जो हैं वो दिलशाद भाई से कॉन्टेक्ट करके ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इनका एक होम ब्रीड का ब्लैक चेरी का चिक्स है। तो दिलशाद भाई इसके बारे में बताएं, क्या इसकी उम्र है अभी? भाई अभी ये 20 डेज है, और माशाल्लाह इनकी चेरी चेक करें, बहुत ही टॉप क्वालिटी में चेरी है जी ये, और इसकी पम्बोज चेक करें जी। जी बिल्कुल, यानी फैला हुआ पम्बोज है, बड़े बड़े विंग्स हैं इसके माशाल्लाह से। और ये कितने दिनों में सेल्फ हो जाएगा? ये तकरीबन 20 दिन और रहेगा जी। ठीक, यानी 40 दिन में जो है वो कबूतर का बेबी जो है वो सेल्फ हो जाता है प्रॉपर? जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक जी दिलशाद भाई, यहाँ पर जो है वो पेयर तो आपका दूसरा है, लेकिन बेबीज माशाल्लाह से म्यूटेशन वाले हैं, इसके बारे में बताएं भाई। ये फोस्टर पेयर लगे हुए हैं, ठीक है, चिक्स यानी कि निकाले हुए हैं इन्होंने, तो ये रेड सेडल के हैं। ठीक। 15 डेज के। ठीक, माशाल्लाह क्वालिटी चेक करें आप। ठीक। अच्छा ये आपने चिक्स फोस्टर किए थे या एग्स फोस्टर किए थे आप? नहीं जी, एग फोस्टर करता हूँ भाई। ये येलो सवेलो, येलो चेरी में, और इनकी एज 25 डेज है, और माशाल्लाह क्वालिटी आप चेक करें। ठीक जी, दे सकते हैं व्यूअर्स आप लोग, यहाँ पर जो है वो फोस्टिंग करवा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से ये, और इनके फोस्टर पेयर भी दोस्तों बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्दी चिक्स जो हैं करके पाल रहे हैं आप लोग, जैसा कि देख सकते हैं। जी दिलशाद भाई, इन बर्ड्स के बारे में बताएं, बेबीज जो हैं वो बहुत छोटे लग रहे हैं, ये कौन से पिजन के बेबीज़ हैं भाई? ये ब्लू चेरी के हैं, ब्लू चेरी के हैं, और इनकी एज 1 हफ्ता है। ठीक, 1 हफ्ते के ये चिक्स हैं। अच्छा आप अपने पिजन्स के बेबीज़ को रिंग्स वगैरह भी लगाते हैं अपने फार्म के? जी जी, फॉर्म के नहीं, वैसे लगा लेता हूँ, लेकिन उससे लगाने का फ़ायदा नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरे जो बर्ड्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी में हैं और हर बंदा लाइक करता है जी, तो रिंग्स यानी कि मैं नहीं लगाता। ठीक जी दिलशाद भाई, इन बर्ड्स के बारे में बताएं भाई। ये माशाल्लाह रेड चेरी के हैं, रेड चेरी के अभी जस्ट यानी कि खुद ही खाना खा रहे हैं, दाना ले रहे हैं, लेकिन अभी फुल सेल्फ नहीं है, और माशाल्लाह क्वालिटी चेक करें आप। जो हैं फोस्टर पेयर लगे हुए हैं, ये किस तरह के चिक्स पालते हैं, ये अगर इनको दो चिक्स दिए जाएं तो सही पालते भी हैं या नहीं? भाई अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पास फोस्टर लगे ना वो भी अच्छी क्वालिटी में लगे हुए हैं, और दो जिनके ईजिली पाल लेते हैं, मैं तीन भी लेता हूँ इनसे। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जैकोबिन्स के बेबीज़ मौजूद हैं, तो दिलशाद भाई इनके बारे में बताएं भाई। ये वाइट जैकोबिन के चिक्स हैं, अभी ये तकरीबन 18 डेज के हैं। ठीक, और माशाल्लाह क्वालिटी आप देखें, हेल्दी एक्टिव है। ठीक जी दिलशाद भाई, इनके बारे में बताएं भाई। ये एक चिक्स जो है वो येलो सेडल का है, एक ब्लैक का है, एक एग इनका इस बार ख़राब हो गया था तो दो चिक्स इधर निकले हुए हैं। ठीक भाई, एक रेड सेडल का है और एक वाइट डेनिश का,
अभी देखें वाइट डैनिश की क्वालिटी चेक करें माशाल्लाह, लेंथ और गर्दन चेक करें, ये क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास। जी दिलशाद भाई, इस बेबी के बारे में बताइए। भाई ये वोल्गा है, वोल्गा है, और साथ में ये इसके यानी कि माँ बाप जो ओरिजिनल हैं वो खड़े हुए हैं साथ में, यानी ये पालरा कोई और है और इसके माँ बाप कोई और है। ठीक दोस्तों, आपने जो है इनके तमाम बर्ड देखे हैं, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। तो आइए दिलशाद भाई से ये पूछ लेते हैं कि जी इन्होंने जो है वो अपने फार्म पर कितने केजीज़ लगाए हुए हैं। तो जी दिलशाद भाई, कितने केजीज़ मौजूद हैं आपके? जी भाई तकरीबन 300। ठीक, और इसके अंदर जो है वो फैंसी पिजन्स के कितने केजीज़ हैं और फोस्टिंग के कितने केजीज़ हैं? भाई फैंसी के तकरीबन है 60 से 70, और जो फोस्टर हैं वो तकरीबन 200 अबव हैं। ठीक, अच्छा फोस्टिंग के ज़्यादा पेड़ लगाने का क्या मकसद है? भाई उसका मकसद ये है कि जो एक पेड़ है ना फैंसी, उसके लिए कम से कम 3 पेड़ फोस्टर लाजमी होने चाहिए, क्योंकि वो हफ्ते में एक बार एग दे देता है। ठीक, तो यानी कि समझे कि मंथ में उसने 3 बार एग दे दिए, चौथी बार के ना लगाएं, तो 3 फोस्टर पेड़ लाजमी चाहिए। ठीक, अच्छा अपना जो है वो फ़ोन नंबर आप दोबारा से रिपीट कर दें। भाई मेरा जो फ़ोन नंबर है वो 0300-4540-634। ठीक, अच्छा अगर जो है वो आपसे कोई बर्ड्स परचेस करना चाहेगा हमारे चैनल के तवस्सुल से, तो आप डिस्काउंट भी करेंगे हमारे व्यूअर्स? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो नए शौकीन है उसके साथ हमने चलना है। ठीक, वो हमारे भाई हैं, उन्होंने शौक़ करना है, हमने उनके साथ चलना है, उन्होंने हमारे साथ चलना है। जी ठीक, तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग इनसे बर्ड्स वगैरह परचेस करेंगे तो आपको है आपको जो है वो खसूसी डिस्काउंट भी दिया जाएगा, और प्राइसेस जो हैं वो आपको कॉल के ऊपर ही बता देंगे दिलशाद भाई। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक मुझे और सुलेमान और वलीद और दिलशाद भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।